बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चैप्टर 3 मोशन एंड फोर्स इंटर पार्ट 1 फिज़िक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। तो हमारे पास जो चैप्टर 3 है उसकी 3 जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं बोर्ड के लिहाज से जो पूछी गई हैं बार बार, वो हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट पढ़ें और उस स्टेटमेंट से जो हमारे पास डेटा आ रहा है हम साथ साथ उसका डेटा लिखते चले जाएं। डेटा लिखने के बाद हम उसके बाद आते हैं कि हमने निकालना क्या है, फिर हम वो लिखते हैं टू फाइंड में। उसके बाद फिर हम उसका पॉसिबल टॉपिक्स देखते हैं कि ये किस टॉपिक से लिया गया, उससे रिलेटेड पे हम फार्मूला पिक करते हैं और फार्मूले पिक करके हम उसको सॉल्व करते हैं और उसका रिजल्ट लिखते हैं। ये तरीका है, जब इस तरीके को फॉलो किया जाए तो आपका एक मार्क्स भी डिटेक्ट होने के चांसेस नहीं होते। तो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3.1 ये है, अ हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली एट द रेट ऑफ 19.6 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द हाइट ऑफ वन व्हाट इज एट द हाइट ऑफ 156.8 मीटर अबव द ग्राउंड अ स्टोन इज ड्रॉप। वहाँ से क्या किया जाता है, स्टोन ड्रॉप किया जाता है। हाउ लॉन्ग डज द स्टोन टेक टू रीच द ग्राउंड, वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड पे पहुँचने के लिए। तो हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। हम सबसे पहला मेथड यूज़ करते हैं कि हमारे पास लेट्स सपोज इनिशियल वेलोसिटी जो है हेलीकॉप्टर की वो 19.6 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद अब हम यहाँ पे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं ले रहे, हम सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हम नेगेटिव साइन इंसर्ट करने लगे हैं। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द स्टोन इज अपवर्ड एंड स्टोन मूव डाउनवर्ड, तो वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्टोन इज इक्वल टू -156.8 मीटर आ जाएगा। डिस्टेंस है, स्केलर क्वांटिटी है, इसके लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करती। हम सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के तौर पे हम नेगेटिव साइन इंसर्ट करें। तो हमने यहाँ पे देखना है टाइम कितना लगेगा। तो हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, एस इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वेयर। तो एस की जगह -156.8 VI 19.6 इंटू टी प्लस हाफ, और अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो -9.8 इंटू टी स्क्वेयर आ जाएगा। तो हम 9.8 डिवाइड बाई 2 कितना होता है 4.9 इंटू टी स्क्वेयर 19.6 टी और -156.8। अब जो -4 टी स्क्वेयर है और 19.6 टी है हम उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाते हैं, तो 4.9 टी स्क्वेयर पॉजिटिव हो गया माइनस, ये अगर प्लस 19.6 टी था तो ये दूसरी तरफ जाके 19.6 टी हो जाएगा और -156.8 एज इट इज आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो 4.9 टी स्क्वेयर उससे हम दोनों तरफ इक्वेशन से डिवाइड करते हैं। उसकी वजह क्या है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जिसकी पावर 2 होती है उसका जो कोफिशिएंट होता है उसको हम 1 करते हैं, लीनियर करते हैं। तो हम 4.9 से हम डिवाइड करते हैं तो टी स्क्वेयर -4 टी -32 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास टी स्क्वेयर, अब इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो मिड टर्म ब्रेकिंग करते हैं इसकी। तो हमारे पास 32 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो अब हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि इसके इस तरह से टर्म बने कि हम मल्टीप्लाई करें तो -32 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -4 आए। तो हमारे पास टी स्क्वेयर -8 टी +4 टी -32, ये इसकी मिड टर्म ब्रेक की। उसके बाद हम क्या करते हैं, पहली दो टर्म से टी कॉमन लेते हैं तो टी -8 आ गया। अब दूसरी दो टर्म से 4 टी -32 से हम 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास टी -8। अगर दो ब्रैकेट सेम आ जाएं तो इसका मतलब है फैक्टराइजेशन हमारी ठीक हुई है। तो हमारे पास टी +4 टी -8 इज इक्वल टू 0, टी -8 टी +4 तो टी इज इक्वल टू 8 टी -4। कभी भी टाइम नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जो टाइम लगा है इसको वो 8 सेकंड लगे हैं इसको रीच करने के लिए। उसके बाद सेकंड मेथड क्या है,
कि हम क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी 19.6 मीटर, उसके बाद डिस्टेंस भी हम क्या लेते हैं 156.8 मीटर पॉजिटिव। तो अब हम टाइम निकालते हैं, तो फिर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, उसके बाद हम इक्वेशन वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हम नेगेटिव ले लेते हैं, लाइक रेफरेंस के तौर पे जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हम नेगेटिव लेते हैं। जब नेगेटिव लेते हैं तो अब हमारे पास जो ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, जो जी की वैल्यू है। तो अब हमारे पास -19.6 प्लस 4.9 से डिवाइड किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 32 इज इक्वल टू -40 प्लस टी स्क्वायर। दोबारा वो इक्वेशन बनी, दोबारा मिड टर्म ब्रेक किया, टी इज इक्वल टू -4 सेकेंड, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड आ गया। तो हमारे पास टाइम कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आया, टी इज इक्वल टू 8 सेकेंड, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो बेशक आप इनिशियल वेलोसिटी आप नेगेटिव लें या फिर आप डिस्टेंस का रेफरेंस नेगेटिव लें तो आपके पास रिजल्ट जो होगा वो सेम आएगा। उसके बाद 3.2 प्रॉब्लम पे चलते हैं, बहुत इजी प्रॉब्लम है ये, हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिलेटेड है। यूजिंग फॉलोइंग डेटा ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं फॉर अ शॉर्ट जर्नी ऑन अ स्ट्रेट लॉन्ग ऑफ अ मोटर बाइक। तो वेलोसिटी 0, 10, 20, 20, 20, 20 और 0, जो टाइम है 0, 30, 60, 90, 120, 150, 180, ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। यूजिंग दिस ग्राफ द कैलकुलेट द इनिशियल एक्सेलेरेशन, द फाइनल एक्सेलेरेशन, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मोटरसाइकिलिस्ट। तो हमारे पास हमने इसका ग्राफ बनाया, 0 से वेलोसिटी हमने वर्टिकल एक्सिस पे ली और जो टाइम है वो हमने एक्स एक्सिस पे लिया। तो हम ग्रेजुअली इंक्रीज करें 0, उसके बाद 10, उसके बाद 15, उसके बाद 20 और ये 20 पे आके क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। उसके बाद ग्रेजुअली रैपिडली हमारे पास 0 पे दोबारा रीच किया, उसने जब ब्रेक सप्लाई की तो हमारे पास 0, 30, 60, 90, 120, 130, 180 हमारे पास सेकंड्स आ गए। तो अब वो कहता है कि हमने सबसे पहले इनिशियल एक्सेलेरेशन, फाइनल एक्सेलेरेशन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिलिस्ट के निकालना है। तो अगर इनिशियल एक्सेलेरेशन निकालना हमने तो हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, तो हमारे पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास डेल्टा वी कितना आएगा, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड हमारे पास आएगा यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान। हमने क्या किया, फाइनल वेलोसिटी हमने ए को ली, ओ को हमने इनिशियल वेलोसिटी ली, तो हमारे पास 20 - 0 तो हमारे पास क्या आ गया, 20 मीटर सेकेंड। तो इसके कॉरिस्पॉन्डिंग यहाँ पे देखें 60 - 0 तो हमारे पास 60 सेकेंड्स आ गए। तो हमारे पास जो इनिशियल एक्सेलेरेशन आएगा वो 20/60 आ जाएगा, जो आपके पास 0.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है। वो कहता है फाइनल एक्सेलेरेशन क्या होगा, जब फाइनल एक्सेलेरेशन पे चलते हैं तो वी एफ माइनस वी आई। अब देखें फाइनल जो एक्सेलेरेशन है यहाँ पे अगर हम देखें तो फाइनल वेलोसिटी जब इस एक्सिस के साथ मैच करके ब्रेक्स लगा दी, रेस्ट पे आ गया, जीरो वेलोसिटी होगी। जो इनिशियल वेलोसिटी वो हमारे पास ये बी पॉइंट है, तो हमारे पास 0 - 20 करेंगे तो हमारे पास -20 मीटर पर सेकेंड आता है। उसके बाद टाइम हमारे पास क्या आएगा, 180। यहाँ पे देखें ये एंड पॉइंट 180 था, ये वाला पॉइंट 150 था, तो 180 - 150 करेंगे तो 30 सेकेंड आ गया। तो AF इज इक्वल टू -20/30 इज इक्वल टू 0.067 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, ये हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, ये जो नेगेटिव साइन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रिटार्डेशन हो रही है, हमारे पास ब्रेक सप्लाई हो रही है। उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिलिस्ट, अगर हम डायग्राम देखें तो हम ये यहाँ पे देखें एक ओ ए और डी तक ट्रायंगल है, उसके बाद एच बी और ई हमारे पास ट्रायंगल है, उसके बाद डी ए बी एच हमारे पास एक रिक्टेंगल है। तो हम दो ट्रायंगल और एक रिक्टेंगल का एरिया अंडर द कर्व फाइंड कर लेंगे, वो हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा। तो हमारे पास हमने वो कैलकुलेट किया बाय यूजिंग डायग्राम, ए ओ ए डी, ओ ए डी हाफ बेस इनटू हाइट, तो हमारे पास बेस कितनी है 60। यहाँ पे ये देखें
हमारे पास ग्राफ है ये बेस आई 60, इसकी हाइट कितनी है 20, तो हम क्या करेंगे, हाफ बेस इनटू हाइट मल्टीप्लाई किया 600 मीटर आ गया। उसके बाद फिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल देखा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी एच इंटू डी हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें 150 माइनस 60, और ये जो हमारे पास वेलोसिटी होगी वो 20 आएगी, तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो हमारे पास 90 इंटू 20 आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई किया 1800 मीटर हमारे पास इसका हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पे एरिया ऑफ बी एच ई बेस ये हम देखते हैं लास्ट पार्ट का, बी एच ई तो हमारे पास 180 माइनस 50 कितना होता है 30, और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और हाफ बेस से हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ 30 इंटू 20 तो 300 मीटर आ गया। सबकी वैल्यूज ऐड करेंगे तो टोटल एरिया अंडर द कर्व आ जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 600 प्लस 1800 प्लस 300, तो 2700 मीटर आ जाएगा। अगर हम इसको किलोमीटर में लेके आए तो 2.7 किलोमीटर हमने ट्रेवल किया, तो जो इसका रिजल्ट है एक्सेलेशन का 0.33 मीटर पर सेकेंड्स के, रिटार्डेशन फाइनल एक्सेलेशन -0.67 मीटर पर सेकेंड्स के, और डिस्टेंस ट्रेवल बाय मोटरसाइकिलिस्ट 2.7 किलोमीटर। तो हमारे पास जो 3.3 है, अ प्रोटॉन मूविंग विद स्पीड 1 × 10^7 मीटर पर सेकेंड पासेस थ्रू 0.02 सेंटीमीटर थिक शीट ऑफ पेपर एंड इमर्ज विद अ स्पीड ऑफ 2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेसलरेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। हमारे पास कोई एक थिक शीट है, उसकी उसमें जब एंटर होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 1 × 10^7 मीटर पर सेकेंड होती है। अब जितना शीट में से पास हुआ है वो उसका डिस्टेंस आ जाएगा, तो वो कितना है 0.02 सेंटीमीटर। इसको कन्वर्ट किया हमने मीटर में, क्योंकि कोई भी वैल्यू आपके पास आ जाए, आपके पास जो ऐसे यूनिट्स में ना हो आप उसको कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी जब वो इमर्ज करता है उस पेपर शीट से, तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आएगी 2 × 10^6 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या निकालते हैं, फाइंड अज्यूमिंग यूनिफॉर्म डेसलेशन फाइंड रिटार्डेशन एंड टाइम टेकन टू पास थ्रू द पेपर। तो हमारे पास रिटार्डेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करते हैं, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। वी 2a इंटू एस की वैल्यू हम पुट करते हैं 2 × 10^-4, और वी एफ हम 2 × 10^6 का स्क्वेयर माइनस 1 × 10^7 का स्क्वेयर आ जाएगा। तो हमारे पास अब इसका स्क्वेयर किया हमने, कैलकुलेशन की, तो हमारे पास पावर्स एक तो रख लेंगे, बाकी प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारे पास 10^12 कॉमन आया 4 − 100, तो −96 × 10^12 हमारे पास एक्सेलेशन, और उसको जब एक्सेलेशन से एक्सेलेशन एक तरफ रखा और एस से डिवाइड किया डिस्टेंस से, तो आपके पास आया −2.4 × 10^17 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। नेगेटिव साइन शो रिटार्डेशन। उसके बाद अगर हमने टाइम निकालना है तो वी एफ सिंपल से इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और अगर हमने टाइम निकालना है तो वी एफ माइनस वी आई और ए डिवाइड हो जाएगा वी एफ माइनस वी आई ओवर ए, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास कितनी है, ये भी हमारे पास डेटा में गिवन थी 2 × 10^6, तो हमने ये वैल्यू पुट की माइनस इनिशियल, ये इक्वल है बेसिकली ये वाला साइन जो है, तो −1 × 10^7, उसके बाद −2.4 × 10^17, ये एक्सेलरेशन जो हमने वैल्यू अभी ऊपर निकाली कैलकुलेट किया, और हमारे पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव आया क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल हो गया, तो 3.3 × 10^-11 सेकेंड हमारे पास टाइम आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्सेलेशन और ये हमारे पास टाइम आ जाएगा। उसके बाद 3.4 देखते हैं, वो कहता है टू मैसेज M1 एंड M2 आर इनिशियली एट रेस्ट। मैसेज दोनों क्या हैं, एट रेस्ट हैं। अ स्प्रिंग कंप्रेस्ड बिटवीन देम, दो स्प्रिंग हमारे पास
बेसिकली एक स्प्रिंग है, उसके साथ दोनों एंड्स पे हमने मैसेज अटैच कर दिए। वो कहता है व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ रेशियो ऑफ द वेलोसिटीज आफ्टर द स्प्रिंग हैज बीन रिलीज। जब हम उसको रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं, तो अब हमें पता है ड्यू टू इलास्टिक रिस्टोरिंग फोर्स और हुक्स लॉ के मुताबिक वो अपनी मेन पोजीशन की तरफ जाएंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी थी, दोनों रेस्ट पे थे, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो, लेकिन जब रिलीज करेंगे तो फाइनल वेलोसिटीज की रेशियो हमने निकालनी है। तो हमने फर्स्ट मास को m1 कह दिया, सेकंड मास को m2। तो हमारे पास इनिशियल जो वेलोसिटी है मास 1 की वो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m2 वो भी जीरो है। तो v1 डिवाइड बाय v2 हमने कैलकुलेट करना। अब यहाँ पे प्राइम यूज़ नहीं करे क्योंकि हमें पता है कि पहली जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो जीरो हो गई हैं। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2 m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं m1 v1 प्लस m2 v1 प्लस m1 v1 प्लस m2 v2। देयरफॉर अब हमें पता है जो इनिशियल वेलोसिटीज हैं वो जीरो हैं, तो जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो जीरो हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू जीरो। तो हमारे पास एक साइड अगर पॉजिटिव दूसरी तरफ जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। तो m1 v1 इज इक्वल टू माइनस m2 v2। तो हमने वेलोसिटीज की रेशियो लेनी थी, v1 ओवर v2 इज इक्वल टू माइनस m2 ओवर m1। हेंस आफ्टर रिलीजिंग द स्प्रिंग द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज इक्वल टू द इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मैसेज। देखें v1 m1 के इनवर्स प्रोपोर्शन है, m2 v2 के इनवर्स रिलेशन है। तो ये हमने रिजल्ट निकालना था, बड़ा अहम रिजल्ट हमने निकाला है। उसके बाद 3.5 प्रॉब्लम देखते हैं। वो कहता है एन अमीबा ऑफ मैस, ये बायोलॉजिकल एक एंड हमारे पर उसको हम कह सकते हैं जर्म्स है। अमीबा ऑफ मैस 1×10^-12 kg प्रोपेल इटसेल्फ थ्रू वाटर बाय बॉइलिंग अ जेट ऑफ वाटर थ्रू अ टीनी ऑरिफिस। द अमीबा इजेक्ट वाटर विद अ स्पीड ऑफ, जो अमीबा वाटर से जो हमारे पास स्पीड इजेक्ट करता है वो किस स्पीड के लिहाज से करता है, 1×10^-4 ms। हम साथ साथ लिखते चले जाते हैं। मैस कितना है हमारे पास, 1×10^-12 kg। स्पीड ऑफ इजेक्टेड वाटर कितनी, 1×10^-4 ms। अच्छा ये मज़े की बात ये है कि जितना बड़ा न्यूमेरिकल है उतना ही छोटा आंसर है। एंड एट द रेट ऑफ 1×10^-13 kg पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें kg पर सेकेंड, मैस पर यूनिट टाइम आ जाएगा। तो हम ये रेट ऑफ वाटर लिखते हैं, हमने ये m/t लिख लिया। वो कहता है अज्यूमिंग दैट द वाटर इज बीइंग कंटिन्यूसली रिप्लेनिश, निकलता ही जा रहा है, सो द मैस ऑफ द अमीबा रिमेन द सेम। मैस क्या है, हमेशा सेम रहेगा। अब वो कहता है निकालना क्या है, इफ देयर वर नो फोर्स ऑन अमीबा अदर देन द रिएक्शन फोर्स कॉज बाय इमर्जिंग जेट विद, वट वुड बी द एक्सेलेशन ऑफ द अमीबा। एक्सेलेशन क्या होगा अमीबा का। उसके बाद इफ अमीबा मूव विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी थ्रू वाटर, वट इज फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर एक्सक्लूसिव ऑन द अमीबा। तो हमने फोर्स ऑफ सराउंडिंग वाटर निकालने। अब देखें ईजी सा, हमारे पास फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का हमारे पास फार्मूला लगेगा, एफ इज इक्वल टू m/t × v। तो हमारे पास आ जाएगी फोर्स आ जाएगी। तो m/t की वैल्यू पता है 1×10^-13 है, और v हमने पता है 1×10^-4 है। तो जब वैल्यूज पुट की तो आपके पास हमारे पास वैल्यू आ गई फोर्स की 1×10^-17। उसके बाद सेकंड लॉ ऑफ मोशन से f इज इक्वल टू m, हमने एक्सेलेशन निकालना है तो f/m आ जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलेशन की वैल्यू आ गई 1×10^-15 ms। तो हमारे पास फोर्स पहले ही हमने कैलकुलेट की हुई थी, तो एक्सेलेशन और फोर्स हमने इजीली कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हम आते हैं 3.6 न्यूमेरिकल पे। वो कहता है अ बॉय प्लेस अ फायर क्रैकर ऑफ निग्लिजिबल मैस इन एन एम्प्टी कैन ऑफ 40 ग्राम मैस। वो कहता है एक बच्चा है, उसने एक जिससे हम बॉटल्स नहीं पीते कैन में, तो वो हमारे पास कैन में कोई जूसेस पी रहे हैं या कोई बोतल वो खाली हुई, उसने क्या किया, उसने फायर क्रैकर बनाया उससे। वो कैसे, उसने एक एम्प्टी मैस फायर क्रैकर 40 ग्राम मैस का लिया, फिर ही प्लग्स द एंड विद द वुडन ब्लॉक ऑफ मैस।
उस जो ब्लॉक का जो कैन था उसका कनेक्शन एक धागे से किया, और वो किस तरह से किया, किसके साथ किया, वुडन बॉक्स के साथ किया। उसका मैस 200 ग्राम है, वो ज़्यादा है। आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैकर, जब धमाका होता है, ही थ्रोज द कैन स्ट्रेट अप। जाहिर सी बात है मैस कम होगा तो वो अपवर्ड ही जाएगा ना। इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, वो ऊपर जाके फटता है। इफ ब्लॉक शूट आउट शूट्स विद अ स्पीड ऑफ 3 meters per second, हाउ फास्ट विल द कैन गोइंग। तो कैन हमारे पास किस वेलोसिटी से हमारे पास मूव करेगा या गो करेगा। अब इस जो हमारे पास अब जो हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वो इस तरह से इस लॉजिक के साथ करेंगे कि हमारे पास जो जो डाटा पहले आता चला जाएगा हम उसके साथ लिखते चले जाएंगे। जैसे ये हमारे पास कैन आया तो मैं सबसे पहले कैन का मैस लिख लिया, m1 = 40 ग्राम। और जब इसको डिवाइड किया 1000 से 0.04 kg आ गए। फिर मैस ऑफ वुडन ब्लॉक हमने देखा m2 = 200 ग्राम, 0.2 kg आ गए। तो हमारे पास आफ्टर इग्नाइटिंग द फायर क्रैक इट एक्सप्लोड एट द टॉप ऑफ इट्स पाथ, इफ ब्लॉक शूट आउट विद द स्पीड। अब ब्लॉक को हमने कहा है मैस m2 है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल वो भी v2 प्राइम होगी ना, तो 3 meters per second हमने पुट कर दिया। तो हमने निकालना है हाउ फास्ट द कैन बी गोइंग, तो v1 प्राइम हमने निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का हमारे पास फार्मूला लगेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम का, बिफोर मोमेंटम ऑफ एक्सप्लोजन और मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन। तो हमारे पास m1 v1 + m2 v2 = m1 v1 prime + m2 v2 prime। तो हमारे पास देखिए जब कैन और वुडन वेस्ट पे थे तो हमारे पास इनिशियल मोमेंटम जीरो आ गया, फाइनल मोमेंटम क्या होगा m1 v1 prime + m2 v2 prime। हमने निकालना है v1 प्राइम, तो हमारे पास m2 v2 प्राइम को लेफ्ट साइड पे ले गए, ये माइनस में आ गए। v1 प्राइम निकालना है तो m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो माइनस m2 v2 ओवर m1 इज इक्वल टू, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, m2 की क्या वैल्यू हमारे पास 0.2 kg, और हमारे पास v2 की क्या v2 प्राइम की क्या वैल्यू है 3, और m1 की 0.04। तो जब डिवाइड किया -15 meters per second आंसर आ गया। नेगेटिव साइन शोज दैट द कैन एंड वुडन ब्लॉक मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है टू कंजर्व द लॉ ऑफ मोमेंटम, तो हमारे पास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे ताकि उनका जो सम लें वो हमारे पास जीरो के बराबर है। तो हमारे पास आफ्टर या इनिशियल हमारे पास जो हमारे पास मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा। उसके बाद 3.7 देखते हैं। अब हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे इसकी स्टेटमेंट लिखते चले जाएंगे। वो कहता है एन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ ट्रेवलिंग एट 2 × 10⁻⁷ m/s अंडरगोज अ हेड ऑन कोलिजन। अब देखें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने लिख लिया, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो भी हमने लिख ली v1। उसके बाद अंडरगो अ हेड ऑन कोलिजन विद अ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम हमारे पास सेकंड बॉडी है तो हम m2 का उसका मास लिख लेंगे। विच इनिशियली एट रेस्ट उसका v2 क्या होगा 0, अज्यूमिंग द कोलिजन टू बी परफेक्टली इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है उसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होगी। तो वो कहता है एंड मोशन टू बी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन m2 है तो इसका मतलब है v2 प्राइम निकालना है। अब हमने इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन में स्पेशल केसेस में जब हमने देखा था v2 प्राइम फाइनल वेलोसिटी निकाली थी, वही हम जस्ट वैल्यू पुट कर देंगे 2m1 v1 ओवर m1 + m2। हमने प्लस वाली टर्म नहीं लिखी, उसकी वजह क्या है v2 जीरो है तो वो पूरी टर्म ऑलरेडी जीरो हो गई। तो हमने v2 प्राइम में वैल्यू पुट की जस्ट, तो 2 × 9.1 × 10⁻³⁻ × 2 × 10⁻⁷ over 9.1 × 10⁻³⁻ +1.67 × 10⁻²⁷। अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे सारी 10 की पावर्स में है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपने कोई सी दो टर्म्स लेनी है, पहले उनको मल्टीप्लाई करना है। लाइक मैं 2.2 × 10⁻⁹ को मल्टीप्लाई करता हूँ, फिर जो इसका रिजल्ट आएगा वो फिर 2 × 10⁻⁷ से मल्टीप्लाई करूँगा। उसके बाद फिर नीचे भी इसी तरह सो ऑन, मैंने 10⁻²⁷ कॉमन लिया और उन पे फिर हमने वैल्यूज 9.1 × 10⁻⁴ + 1.67 लिखा,
और इस तरह सॉल्व करता चला गया तो हमारे पास आया 2.18 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास आई हाइड्रोजन की वेलोसिटी 2.18 क्रॉस 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद हम देखते हैं 3.8। ये बहुत ही आसान और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। वो कहता है ट्रक वेइंग 2500 केजी, उसका मास ऑफ ट्रक कितना है 2500 केजी एंड मूविंग विद अ स्पीड या वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड। उसकी जो वेलोसिटी है v1 है 21 मीटर पर सेकेंड विद अ स्टेशनरी कार। अब जो स्टेशनरी दूसरा ऑब्जेक्ट है इसको हम m2 से और v2 से रिप्रेजेंट करेंगे। स्टेशनरी कार है, उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, मास ऑफ कार कितना है 1000 केजी। द ट्रक एंड कार मूविंग टुगेदर, इसका मतलब है दोनों एक साथ ही मूव कर गए। हमने कॉमन वेलोसिटी निकालनी है, हमने सिंपल v1 prime v2 prime नहीं निकालना, हमने v1 prime = v2 prime इक्वल करके हमने उसकी कॉमन वेलोसिटी निकालनी, कैलकुलेट देयर कॉमन वेलोसिटी। तो हम उसको सिंपल v से रिप्रेजेंट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम m1 v1 + m2 v2 = m1 v1 prime + m2 v2 prime। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन v1 prime = v2 prime = v। तो जब हमने v किया, v कॉमन ले लिया, तो हमारे पास m1 v1 + m2 v2 = m1 + m2 × v। तो v हमने बाहर रखा, m1 m2 को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया। तो जब हमने डिवाइड किया तो हमें पता है v2 0 है, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0, ये वाली टर्म हो गई 0। अब हमारे पास जो वैल्यूज 2500 × 21 + 1000 × 0 / 2500 + 1000। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो आपके पास आया 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है जो उनकी कॉमन वेलोसिटी थी वो 15 मीटर पर सेकेंड थी। तो उसके बाद हम चलते हैं 3.9 प्रॉब्लम पे। ये भी आसान सा न्यूमेरिकल है लेकिन थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। तो टू ब्लॉक्स ऑफ मैसेज 2 kg एंड 0.5 kg आर अटैच एट द टू एंड्स ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग्स। वो कहता है टू ब्लॉक्स हैं मैसेज के जिनका मैसेज 2 kg एंड 5 kg है, हमने मैसेज लिख लिए। एट द टू एंड्स ऑफ कंप्रेस स्प्रिंग, जब कंप्रेस करेंगे तो हमारे पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्टोर स्ट्रिंग इज 10 joule। उसकी जो हमारे पास एनर्जी है वो कितनी है 10 joule। फाइंड द वेलोसिटीज ऑफ ब्लॉक इफ द स्प्रिंग डिलीवर्स इट्स एनर्जी टू द ब्लॉक व्हेन रिलीज। हमने उसकी वेलोसिटीज निकालनी v1 प्राइम और v2 प्राइम जब हमने उस ब्लॉक को क्या किया, रिलीज किया। तो m1 कितना है 2 kg, m2 कितना है 0.5 kg, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है 10 joule। तो v1 प्राइम v2 प्राइम निकालना हमने। तो हम यहाँ पे एनर्जी तो कंजर्व होगी तो हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पे सिंपल लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी हमें दी हुई है 10 joule दी हुई है, उसने 10 joule दी हुई है। अब यहाँ पे क्या करना है हमने कि हमारे पास यहाँ पे हाफ mv² था, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10, यहाँ पे देखें पॉइंट हाफ m1 v1² प्लस 0.5 m2 v2 स्क्वेयर। तो हमारे पास प्राइम भी है, फाइनल वेलोसिटीज हैं। उसके बाद अगर हमने क्या निकालना है, वेलोसिटीज निकालनी है। तो अब ये देखें हमने सॉल्व इस तरह से करना है, जस्ट आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, हम 0.5 यहाँ पे कॉमन लेके दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 20, तो m1 v1 prime square + m2 v2 prime square = 20 आ गया। अब हम करते ये हैं कि हम v1 mass की वैल्यू पुट करते हैं m1 और m2 की। तो 2 v1 prime square + 0.5 v2 prime square = 20 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। फिर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम लगाया तो हमें पता है दोनों ही वो रेस्ट पे थे, तो इनिशियल मोमेंटम तो हो गया 0। तो हमारे पास m1 v1 prime + m2 v2 prime, तो 2 v1 prime + 0.5 v2 prime = 0 आ गया। तो हमने क्या किया, जो 2 v1 prime वाली वैल्यू थी हम दूसरी तरफ ले गए, वो नेगेटिव की हो गई, और 0.5 डिवाइड किया तो -4 v1 prime आ गया।
तो वी टू प्राइम इज इक्वल टू माइनस फोर वी वन आ गया प्राइम। तो ये वाली जो वैल्यू है इक्वेशन वन में पुट करते हैं तो जहां भी वी टू प्राइम था तो हमारे पास टू वी वन प्राइम स्क्वायर प्लस पॉइंट फाइव इंटू माइनस फोर वी वन प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये देखें माइनस फोर का स्क्वायर 16 इंटू पॉइंट फाइव ये 8 आ गया। तो टू वी वन प्राइम स्क्वायर प्लस 8 वी वन प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो हमारे पास 10 वी वन प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 20। तो 10 डिवाइड हो गया तो हमारे पास वी वन प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 20 ओवर 10। और उसका अगर अंडर रूट भी ले लें तो 1.41 मीटर पर सेकेंड हमारे पास उसकी स्पीड आ गई। अब यहाँ पे देखें v2 हम सिंपल सा निकालेंगे इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके। जब हम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास माइनस फोर इंटू 1.51 या 1.41 हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो -5.65 मीटर पर सेकेंड v2 प्राइम वैल्यू आ जाएगी। जस्ट ये हमारे पास आंसर है। तो हमने वी वन प्राइम निकालना है बाय यूजिंग अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करते हो उसके बाद हमारे पास इजी आ जाएगा। अब आते हैं हमारे पास प्रोजेक्टाइल के न्यूमेरिकल्स विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। वो कहता है फुटबॉल इज थ्रोन वर्टिकली थ्रोन अपवर्ड विद एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल टू थ्रो 40 मीटर पास। जो उसकी रेंज है वो कितनी है 40 है, उसका एंगल 30 है, हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है वो हमने निकालनी है इनिशियल हॉरिजॉन्टल स्पीड। वो कहता है टू थ्रो अ पास व्हाट मस्ट बी द इनिशियल स्पीड ऑफ द बॉल। तो थीटा हमारे पास 30, रेंज हमें 40 दी हुई है, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दी हुई है, इनिशियल स्पीड ऑफ बॉल कितनी वी आई फाइंड करना हमने। तो रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। तो वी आई स्क्वायर निकालना तो जी यहाँ पे डिवाइड होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया साइन 2 थीटा मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो गया। तो हम जस्ट उसकी वैल्यूज पुट करेंगे 40 क्रॉस 9.8 डिवाइड बाय साइन 8 टू 230। तो 230 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, साइन 60 की वैल्यू होती है 0.866, 392 डिवाइड बाय 0.866। और जब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास 21.27 या 21.3 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। ये हमारे पास इनिशियल स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द बॉल आ गई। उसके बाद हम चलते हैं 3.11 पे। 3.11 और 3.12 सिमिलर ही हैं। तो हम देखते हैं 3.11 अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर विद वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखें हॉरिजॉन्टल फेंकी है तो इनिशियल वर्टिकल क्या होगी वेलोसिटी 0। तो हम साथ साथ ही लिखते चले जाते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकेंड आई, उसके बाद इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 आ गई। हाउ फार ऑफ इट हिट द ग्राउंड, वो किस वेलोसिटी से हिट करेगा ग्राउंड पे, जबकि उसकी हमारे पास हाउ फार उसकी रेंज क्या होगी या उसका डिस्टेंस क्या होगा। अब याद रखना जब भी आपके पास कोई एंगल गिवन ना हो तो जो रेंज का फार्मूला यूज होता है वो एस इज इक्वल टू वी टी वाला ही यूज करते हैं, जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन में एस एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इंटू टी का किया था। तो हम यहाँ पे रेंज और वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी आता है। अब वाई हमारे पास अगर हम टाइम के लिए देखें तो वाई इज इक्वल टू वी आई वाई इंटू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी आई वाई जीरो है तो हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास 10 इज इक्वल टू 4.9.8 डिवाइड बाई 2 4.9 इंटू टी स्क्वायर। तो अब जब टी स्क्वायर निकालना तो 10 से हम डिवाइड कर देंगे 4.9 को, तो हमारे पास आ गया 1.42 सेकेंड आ गया। अब हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या होगी वी आई एक्स इंटू टी, तो 21 को 1.42 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 29.8 आ जाएगा। और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर होता है 30 मीटर के। अगर हमने वेलोसिटी निकालनी है तो हमारे पास आएगा वी एफ एक्स का स्क्वायर प्लस वी एफ वाई का स्क्वायर। अब ये देखें जो प्रोजेक्टाइल में जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वही हमारे पास वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी भी होती है। तो हम वी एफ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स इज इक्वल टू 21 मीटर पर सेकेंड कह दिया। अब जो फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन से यूज की तो वी आई वाई प्लस जी टी, तो वी आई वाई तो जीरो था
9.8 इंटू 1.42 जब हमने मल्टीप्लाई किया तो 13.91 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आई 21 का स्क्वायर प्लस 13.91 का स्क्वायर, तो हमारे पास इसको सॉल्व करके 634.48 आ गया। तो जब इसका अंडर रूट लिया तो 25.1 मीटर पर सेकेंड आ गया। हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया और हमारे पास वेलोसिटी भी आ गई। ये हमारे पास रिजल्ट था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली 3.12 भी इसी तरह ही है। अ बॉम्बर ड्रॉप अ बॉम्ब ऑफ हाइट 490 मीटर, इसकी जो हमने वर्टिकल हाइट लिखी वो 490 मीटर एंड इट्स वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल वाज 300 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे पास जो इसकी वेलोसिटी है वो 300 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और आवर्स को सेकंड में 3600 से डिवाइड कर देंगे। तो आगे बात आ गई 83.3 मीटर पर सेकंड। उसने फिर वही कहा कि डिड इट स्ट्राइक द ग्राउंड, उसकी हमने क्या निकालना है, रेंज निकालनी है और हाउ लॉन्ग वाज इट इन एयर, वो एयर में कब तक होगा टाइम निकालना हमने। तो हमारे पास वही फार्मूला x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो हम y निकालेंगे, y से हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम टाइम निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू वी आई वाई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर। तो हमारे पास ये जीरो हो गया, हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वेयर, 490 इज इक्वल टू 4.9 इंटू टी स्क्वेयर। तो जब इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आ गया, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड। सो पुटिंग इन इक्वेशन वन वी गेट, तो x इज इक्वल टू वी आई एक्स इंटू टी। तो हमारे पास डिस्टेंस वी आई एक्स कितना है हमारे पास 10 और t कितना है 83.3। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 833 मीटर और टाइम हमारे पास आया 10 सेकेंड। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट थे, हमारे पास बिल्कुल सिमिलर आंसर हमारे पास आते हैं 3.11 और 3.12 के। उसके बाद 3.13 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 3.13 और 3.14 वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। वो कहता है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल फॉर विच इट्स मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्विवेलेंट। ये एग्जैक्टली स्टेटमेंट उठा के आपको एमसीक्यूज में भी देता है, तो आपने इसका जो रिजल्ट है वो एज इट इज याद भी करना है। तो अगर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्विवेलेंट होंगे तो हमने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन निकालना, तो हम क्या करेंगे रेंज और हाइट को इक्विवेलेंट कर देंगे। अकॉर्डिंग टू देयरफॉर आर इज इक्वल टू एच, हमने रेंज का फार्मूला लगाया वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा ओवर जी इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2 जी। तो हमारे पास वी आई स्क्वेयर से कैंसिल हुआ, जी जी से कैंसिल हुआ, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2। तो अब हमने क्या करना है, साइन 2 थीटा को ब्रेक करना है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2। तो ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, साइन 1 स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा करेंगे, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, तो साइन थीटा ओवर कॉस होता है टेन थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स इंटू 4 आ गया। तो हमारे पास 76 डिग्री आंसर आ जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जब रेंज और हाइट इक्विवेलेंट होते हैं। ये एनटी टेस्ट में भी बार बार पूछा गया है। उसके बाद 3.14 ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीट होने वाला न्यूमेरिकल है। प्रूव दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड अ फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाई इक्वल अमाउंट द रेंजेज आर इक्वल। तो रेंजेज हमारे पास क्या होंगी, इक्वल होंगी। लेट टू एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विच एक्सीड अ फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाई इक्वल अमाउंट। वो कहता है कि हमारे पास 45 डिग्री एक रेफरेंस एंगल है, अगर हम उसमें जितना मर्जी एंगल ऐड करें और जितना मर्जी एंगल उसी में ही सब्ट्रैक्ट करें, लेकिन अमाउंट हमारे पास सेम होनी चाहिए सब्ट्रैक्ट और ऐड करने की। वो कहता है उन दोनों एंगल्स पे रेंजेस सेम होंगी, ये हमने प्रूफ करना। तो लेट्स सपोज हमने कहा कि हमारे पास थीटा 30 डिग्री है, तो हमने आर वन इज इक्वल टू, क्योंकि देखें हमने क्या किया, 45 माइनस 15 किया 30 आ गया, और उसके बाद हमने क्या किया 45 प्लस 15 किया और 60 डिग्री आ गया। तो हमने 30 डिग्री पुट किया, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करेंगे 0.866 वी आई स्क्वायर ओवर जी। ये हमने वैल्यू इसको हमने आर वन कह दिया, फिर थीटा 60 डिग्री पुट किया,
तो हमारे पास आ गया 5.866। जब इसकी वैल्यूज देखें तो दोबारा आर वन और आर टू सेम आए, तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू इसको इक्वेशन का नाम दे दो बेशक, तो हमारे पास रेंजेस क्या होंगी, सेम होंगी, आर जी आर वन इज इक्वल टू आर टू। हेंस फॉर द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विच एक्सीड अ फॉल शॉर्ट ऑफ 45 बाई इक्वल अमाउंट द रेंजेस आर इक्वल, रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। उसके बाद लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है एस एल बी एम सबमरीन लॉन्च बिलिस्टिक फायर इज फायर्ड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, जो उसका डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो 300 किलोमीटर है। इफ़ द अर्थ वर फ्लैट, फ्लैट हमने अर्थ क्यों लिया, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट का हमने फार्मूला लगाए हम इजीली, एंड द एंगल ऑफ लॉन्च इज 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम टेकन बाय SLBM टू हिट द टारगेट एंड द वेलोसिटी विद विच द मिसाइल इज फायर्ड। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर, किलोमीटर तो हम मीटर में लेके आएंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इन ये 3 जीरो हैं और ये 3 जीरो, 10^6 आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास एंगल 45 डिग्री है, हमने टाइम निकालना है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमारे पास रेंज का फार्मूला होता है VI² sin 2θ/g। तो हमारे पास VI² इज इक्वल टू, अब रेंज को हमने x का नाम भी दिया हुआ है, x इंटू जी यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई साइन टू थीटा मल्टीप्लाई और दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास साइन इंटू टू इंटू 45, तो साइन 90 क्या होगा 1, तो ऊपर इससे मल्टीप्लाई होगा 29.4 × 10^6। तो हमारे पास इसकी जब हम अंडर रूट लेते हैं तो 5.42 × 10^3 m/s आता है, तो 10^3 किलो होता है, तो 5.42 km/s आ जाएगा। उसके बाद टाइम क्या आएगा, 2VI sin θ/g, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगेगा, तो 2VI हमने निकाला हुआ है 5.42 × 10^3, हम इसको मीटर पर सेकंड में ही लिखेंगे, साइन 45 19.8। तो जब हमने इसकी वैल्यूज पुट की तो हमारे पास जो टाइम आया वो 782 सेकंड आया, हमने इसको फिर हमने क्या किया 60 से डिवाइड करके मिनट्स में ले आए, तो 13 मिनट्स में आंसर आ गया, जो बुक का आंसर है वो हम ले आए। तो ये थे हमारे पास सारे न्यूमेरिकल्स जो चैप्टर 3 के कवर करने थे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें लाजमी, ताकि और फीडबैक लाजमी दें कि आपको ये मेरी वीडियोस कैसी लगें और किस किस्म की कोई अपडेशन या कोई किसी चीज़ की कमी है तो वो बताएं लाजमी, ताकि वो फुलफ़िल की जा सके।